सिंगरौली सीधी संसदीय क्षेत्र से इस बार लोकसभा चुनाव के मैदान में 84 वर्षीय बुजुर्ग अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। निर्दलीय चुनाव लड़ रहे भगवान प्रसाद तिवारी साइकिल से या फिर पैदल चलकर अपना प्रचार कर रहे हैं। निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर अपना भाग्य आजमा रहे 84 वर्षीय भगवान प्रसाद तिवारी की क्षेत्र में खूब चर्चा हो रही है। वे अब तक 5 बार विधानसभा का चुनाव और 2 बार सिंगरौली नगर निगम के महापौर पद का चुनाव लड़ चुके हैं। हालांकि कभी भी उन्हें सफलता नहीं मिली। इस बार वे पहली दफा लोकसभा चुनाव में उतरे हैं। देश भर में शायद भगवान प्रसाद सबसे बुजुर्ग प्रत्याशी हैं। उनका साइकिल से प्रचार प्रसार करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मुद्दे हमारे यही हैं कि सिंगरौली को जो है कि संपन्न बनाना है, बेरोजगारी दूर करना है, लड़कों को काम दिलवाना है। यहाँ 500 कंपनी आ गई, उनसे रोजगार नहीं मिल रहा है, लोगों का व्यवस्था नहीं हो रहा है, लोगों का प्लाट नहीं मिल पाया, मुआवजा नहीं मिल पाया, लोगों को नौकरी नहीं मिल पा रही है। हम सीधी और सिंगरौली के लिए अपना योगदान देंगे, उनके साथ रहेंगे, उनके मौके पर काम देंगे, दुख विपत्त में शामिल होंगे और उनको जो है बेरोजगार घूम रहे हैं उनको रोजगार देंगे, सड़कें जो टूटी हैं उनको जोड़ा देंगे, पानी यहाँ नहीं है वहाँ पानी कर देंगे। हमारा यही कर्तव्य है, जहाँ भी काम रुकेगा वहाँ हम करने के लिए जीवन दे करके मरते दम तक करेंगे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।